देशभर के ऐतिहासिक और विश्व विरासत स्मारकों पर भूमाफियाओं के कब्जे का खतरा बढ़ता जा रहा है। भूमाफियाओं ने देशभर की 200 से ज्यादा ऐतिहासिक इमारतों पर अतिक्रमण कर लिया है। देशभर के ऐतिहासिक और विश्व विरासत स्मारकों पर भूमाफियाओं का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश के तमाम राज्यों में भूमाफियाओं ने ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों और उसके आसपास कब्जा कर लिया है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 75 ऐतिहासिक इमारतों पर अतिक्रमण हुआ है। इनमें लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, हुसैनाबाद की जामा मस्जिद, आसिफी मस्जिद, जनाबे आलिया का मकबरा, गाजीउद्दीन हैदर का मकबरा, अमजद अली शाह का मकबरा, हजरत अब्बास की दरगाह शामिल है। इनके अलावा बांदा की जामा मस्जिद, आगरा की जामा मस्जिद, फरुखाबाद की मस्जिद और सराय, महाबत खान की बेटी का मकबरा, ललितपुर और हमीरपुर के जैन मंदिर जैसी प्रमुख इमारतें शामिल हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 74 इमारतों पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है। इनमें कांचीपुरम के शिव मंदिर, महापाषाणी पत्थर के स्तूप और ताबूत, सेलम का किला आदि शामिल हैं। कांचीपुरम में भूमाफियाओं ने ऐतिहासिक मंदिरों और स्तूपों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां 48 ऐतिहासिक इमारतें अतिक्रमण का शिकार हो गई हैं। इनमें हैदर खान का मकबरा, सिकंदर शाह का मकबरा, पीर शेख हामिद खादरी का मकबरा, हसन गुलजार का मकबरा, सुनहरी मस्जिद, औरंगजेब की बीवी की कब्र, मोती दरगाह जैसे प्रमुख स्थल शामिल हैं। ज्यादातर अतिक्रमण विजयपुरा में हुआ है। महाराष्ट्र में 46 ऐतिहासिक इमारतें भूमाफियाओं की जद में हैं। यहां अहमदनगर की मक्का मस्जिद, अहमदनगर और अलोरा की गुफाएं और मंदिर, बुलढाणा में मस्जिद और महादेव का मंदिर, गढ़चिरौली, नागपुर, यवतमाल और चंदरपुर के मंदिर शामिल हैं। दिल्ली में तुगलकाबाद किला, पुराना किला, कुत्सिया मस्जिद, नीली मस्जिद समेत 11 स्थलों पर अतिक्रमण हुआ है। बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा, पूर्वी चंपारण में बौद्ध स्तूप समेत 6 स्थलों पर अतिक्रमण हुआ है। पंजाब में महाराणा रणजीत सिंह का समर पैलेस, जालंधर में नूर महल, तरन तारण में अकबर या जहांगीर की पुरानी सराय के प्रवेश द्वार समेत 7 स्थलों पर अतिक्रमण हुआ है। इनके अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों में भी बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक इमारतों को निशाना बनाया गया है। शाहनवाज मलिक की रिपोर्ट, गो न्यूज़।